बंदे ने वाली शर्म नहीं आवाई देख से देख रहा। हाँ जिंदगी ऐसी हो जाओ भाई, बच्चा आने के बाद फैमिली में इसी के जो रह जाए सारे सिवाय गया भाई सो। और उसको सुलाने के बाद सबसे पहले मेरा काम कि ब्रश करना, फ्रेश होके नहा लेना। तो नहा के भाई अब काम करना है, दीपक लगाना भाई मंदिर में, उसके बाद योगा करेंगे, फिर जाना है एलडी। एलडी मतलब इधर सामान मिलता है वहाँ से, वहाँ पर जाना है, वहाँ से लेकर आनी है दही। तो दही के बिना ना तो शिवाय खाना खाता भाई, ना मेरी वाइफ खाती, तो वो लानी जरूरी है। वो ख़त्म हो चुकी है, कल ख़त्म हो गई थी। तो भाई मतलब मेडिटेशन और योगा करने के बाद, मेडिटेशन तो मैं इधर आकर शुरू से करता हूँ, लेकिन भाई योगा दोबारा स्टार्ट किया है। इंडिया में करता था थोड़ा सा, मतलब फैट आ गया शरीर पे यार, योगा दोबारा से स्टार्ट किया है। अगर आप योगा जरूर किया करो भाई, योगा मेडिटेशन इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और आपके माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर बहुत ठंड है भाई, इसलिए कोट डाला है। तो किया करो यार, मतलब योगा इंडिया में करता था, इधर तो छोड़ दिया था, लेकिन मेडिटेशन तो मैं एवरी डे करता हूँ इधर, चाहे मुझे 5 मिनट करना हो लेकिन करता हूँ। बात तो कहीं भाई बोला भाई ये तो अंधविश्वास है, यो है वो है, अच्छी बात है भाई आपके लिए अंधविश्वास है, हम तो करें भाई, मरे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, आप नास्तिक हो अच्छी बात है, लेकिन भाई नास्तिक बनो, अच्छी चीज़ होती है नास्तिक, लेकिन खोजी नास्तिक बनो। बेड पे पड़ गए मत बोलो कि ये तो भाई अंधविश्वास है, उसके ऊपर रिसर्च करो, वाई दे गिव अस, हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ क्यों दी, उसके ऊपर रिसर्च करो। एक रिसर्चर नास्तिक बनो, रिसर्च करने वाला, खोजी नास्तिक बनो, खोज करने वाला। ये नहीं कि बेड पे पड़ा बोल दिया कि भाई ना मैं नहीं मानता सुना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे मत, ऐसे कुछ नहीं चलता मेरे भाई। नास्तिक बनो, खोजी नास्तिक बनो, खोज करने वाले बनो, ठीक है ना। तो एलडी में जाना था भाई अभी 9:00 बजे सुबह के, क्योंकि 9 बजे खुलता है वो, तो मैं दिखाता हूँ आपको एलडी भी, वहाँ से दही लेके आनी है। ओ भाई ठंड स्टार्ट होगी दोबारा से, 0 पे आ गया टेम्परेचर यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने स्टार्ट होगी दोबारा। तो बाहर के एनवायरमेंट आप देख रहे होंगे, कार में बैठो हीटर चलाया है, लेकिन फिर भी है ना ठंड स्टार्ट हो गया दोबारा मेरे भाई। तो भाई एक भाई का मतलब वैसे बता देता हूँ कि एक भाई का मैसेज आ रहा था कि मतलब स्टूडेंट को वर्क में कैसे बदलें। भाई स्टूडेंट को वर्क में थोड़ी बदल जाता है, स्टूडेंट जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है उसको ऑटोमेटिक वर्क में बदल जाता है। और F2 जो F2 भाई है स्पाउस पे आ रहा है, उसका स्टूडेंट के साथ ही स्टेटस चलता है, स्टूडेंट के साथ ही स्टेटस चलता है का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट को जैसे ही वर्क परमिट मिलेगा तो आपका भी वर्क परमिट हो जाएगा भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। 2 साल की स्टडी है, 3 साल की स्टडी है, आप उस पर डिपेंड करता है, स्टडी कंप्लीट होती है आपका वर्क परमिट ऑटोमेटिक ही आपका कन्वर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक कन्वर्ट क्या होता जाता है, आप वर्क परमिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट का स्टेटस रहेगा वीजे का, वही स्टेटस आपका चलेगा, ठीक है, F2 का। तो ये इन्फॉर्मेशन बीच में दे रहा हूँ क्योंकि भाई का बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो उस भाई के लिए। भाई ठंड माइनस में चला गया टेम्परेचर दोबारा से, तो बुरा हाल है यार इधर का। तो भाई तो दही लेने आ गया हूँ भाई, दही लेने के लिए स्टोर पे आ गए, पास में ही था, अभी अभी खोला स्टोर के बाहर, ओपन हुआ है, दिखा देता हूँ स्टोर है भाई। देखो ये दूध की जो, देखो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ सस्ता है, 1.67 का है। ये भी दूध भी अलग अलग तरीके के हैं, चॉकलेट वाला दूध है, सभी तरीके का। तो मेरे को लेनी है सिर्फ यहाँ से दही जो हुई यहाँ पे, तो होनी चाहिए भाई, मिल गई खैर, क्योंकि कभी कभी आउट हो जाती है यहाँ से दही। मैं ले लेता हूँ 4 डब्बे भाई, दही के बिना काम चलता नहीं है, दही है वही इधर प्लेन। पिछली बार मैं वनीला की ले गया था, वनीला की ले तो गया था, लेकिन भाई अब बिल बनवाते हैं फिर घर चलते हैं। ले लिया भाई सामान, $25 का बना, 2000 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये का दही, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी। तो ये फाइनली भाई कभी कभी आओ यहाँ से, तो मैंने 3 डब्बे ले लिए समोसास इंडियन, क्योंकि ये सारा गोरो का इलाका है भाई, यहाँ इंडियन बंदे ही बहुत कम मिला। कभी कभी यहाँ से इंडिया का प्रोडक्ट मिल जाए, समोसे स्नैक्स छोटे छोटे हो मेरे पास समोसे, लेकिन बहुत स्वाद हो भाई, टेस्ट इंडिया वाली हो। प्रोडक्ट ऐसा है भाई जो मैंने इंडिया की याद दबाव यहाँ से इस एरिया में,
बाकी अमेरिका में सारी बहुत जगह ऐसी है सर जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, सब कुछ मिल जा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है भाई, मना इंडिया की याद लो, तो ये ले ली मैंने दो तीन डब्बे, कभी कभी यहाँ तक ख़त्म हो जाना है, इसलिए चलते हैं बगैर। आज तो भाई सर्दी ना टोपियाँ कटवा दी, कैप कटवा दी, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई अचानक यार, इतनी बढ़िया मतलब मौसम चल गया था, इतनी बढ़िया गर्मी होने लगी थी, बारिश भी हो रही थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, माइनस में चला गया बिना बात के टेम्परेचर, बिना बात के भाई माइनस में चला गया था टेम्परेचर। तो एल्टी में आने के बाद भाई सो गया था यार, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, सो जो मैं दो ढाई बजे सोऊं, उठ गया था आज मैं पौने सात बजे यानी कि पाँच घंटे लगे चलो, लेकिन पाँच घंटे नहीं है भाई, साढ़े चार कुछ घंटे सोया, उसमें तो भी सुंदर होना तो बच्चा वही न्याणा आएगा सिर पर, कभी सिर पर बैठ जाए, कभी लात मारदा, छोटे बच्चे ऐसे हुआ यार छेड़ खानी ज़्यादा करा, तो टूटती रही नींद बीच में आती रही, इस तरह चलता रहा सिस्टम। तो बादल देख सको भाई कैसे हो गया, सारी जगह बादल ऐसी हो रहा, और ये यहाँ खड़ी है मर्सिडीज, ये ऐसी ऐसी तो अरे अरे घर के अगर खड़े भाई यहाँ से, अरे बड़े बड़े कारा खड़ी सारी, मेरी वाली है थोड़ी जी वैसी भाई, वो भी होगी एक दिन, टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी मैं चीज़ों का शौक नहीं रखता, कार होनी चाहिए जैसी मर्जी हो, चलने वास्ते कार होनी चाहिए, बाकी मेरे को ये नहीं है कि भाई ये वाली कार लेनी ये वाली लेनी, टाइम नहीं मनना, मतलब यो है भाई कुछ सिस्टम पर तगड़ा पैसा होना चाहिए ना अपना भाई, सब तो ठीक चलता रहो सर्कल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल लाइफ में होना चाहिए जरूरी है, बच्चों के भी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होना चाहिए जरूरी है, क्योंकि भाई बिना स्ट्रगल के लाइफ में यहाँ देख रहा कैसी हुआ बच्चों की, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल नहीं होता, माँ बाप पैसा वादू हुआ, माँ बाप पैसा वादू हुआ तो क्यों होगा कि बच्चे मोटे दिमाग के हो रहे हैं हाले अंग्रेज, क्योंकि माँ बाप ने पहले ऑलरेडी बहुत पैसा कर रखे भाई, ना तो पढ़ दे में ना पढ़ दे तो मोटे दिमाग के शरीर में फिजिकली भी फिट नहीं, बहुत सिस्टम फिजिकली फिट वाले बंदे हाँ जिन्हें स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लेकिन नशे में लग रहे बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, अंदर ही आना पड़ा यार, बाहर तो आते सुनोगे ठंड में। तो एक कमेंट ये भी आ रहा था कि अगर फ्रिजनो नहीं कैलिफोर्निया नहीं अप्लाई करा तो कहाँ अप्लाई करा, कहीं मर्जी अप्लाई कर लो भाई, कैलिफोर्निया सख्त हिदायत है वहाँ, फ्रिजनो तो वो सख्त हिदायत है, अगर फ्रिजनो जाने की सोच रहे, कैलिफोर्निया बहुत मतलब स्टेट है पूरी पूरी, जिस तरह हरियाणा है, जिस तरह पंजाब है, जिस तरह यूपी है, जिस तरह राजस्थान है, उसके अंदर शहर है बहुत सारे जिले हैं, इस तरह कैलिफोर्निया के अंदर बहुत है, फ्रिजनो है, सेंट फ्रेजनिको फ्रिजनो है, बहुत सारी मतलब अंदर डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से, फ्रिजनो तो डिस्ट्रिक्ट चूज मत करना भाई अगर, क्योंकि वहाँ भाई कैश वाले बंदे के लिए काम ही नहीं है, चाहे आपको कोई जानकार भी हो वहाँ वो भी नहीं दिलवा सकता काम, रियल्टी बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट को तो कभी नहीं दिलवा सकता भाई, जो अगर काम ना अपना वहाँ मिल भी गया, एफ टू को तो थोड़ा बहुत चांस नू है, क्योंकि भाई 12 घंटे काम करना पड़ेगा डेली, लेवेंगे काम में जीव जा काम देवेंगे, पार्ट टाइम कोई भी काम देने तैयार नहीं है वहाँ से, आशा करता हूँ व्लॉग अच्छा लगेगा, बाकी फिर भी थोड़ा थोड़ा फैमिली व्लॉग मिक्स करके अपना इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में प्रोवाइड करवाता रहूँगा, बस एक काम कर दे करो यार, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब सॉरी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो उन दोस्तों के साथ जो मतलब अप्लाई कर रहे या इधर आने की सोच रहे, इधर की क्या लाइफ स्टाइल है, स्टूडेंट्स की क्या लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि कैसी लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, तो थोड़ी सी भाई स्लैग जो चेंज हो गया मेरी, कभी थोड़ा वर्ड सोचते हैं इंग्लिश के वर्ड थोड़ी सी अलग तरीके से बोलूँ, क्योंकि हम अंग्रेजों के लिए मत्था मार रहे हैं इंग्लिश में, अंग्रेजों के लिए मत्था मारने का मतलब नहीं है भाई, अंग्रेजों वाली स्लैग थोड़ी सी जबान पर चढ़ गई, अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलने की कोशिश करो ना तो उसी स्लैग में लिख डा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करियो भाई, कोई भी बात पूछनी हो जैसी मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिप्लाई जरूर करूंगा भाई, ये मैं सोचना कि रिप्लाई नहीं करा तो भाई थोड़ा लेट रिप्लाई आ सका, पर रिप्लाई आ जाएगा भाई आपका, ठीक है, तो राम राम भाई।